हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड एफिनिटीज ऑफ रूटीफेरा। ये ऑलरेडी हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने तीनों फेरा फाइलम के बारे में डिस्कस किया था, उसकी एफिनिटीज स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। तो ये आज का जो टॉपिक है ये हम रूटीफेरा फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ल्यूवेन हॉक फर्स्ट डिस्कवर रोटीफोर विद हिज इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। ल्यूवेन हॉक ने डिस्कवर किया था रोटीफोर फाइलम के बारे में, एंड जब इन्होंने इन्वेंट किया था माइक्रोस्कोप्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जर्नल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं फाइलम रोटीफेरा का, तो जो रोटीफेरा होते हैं आर माइक्रोस्कोपिक, और बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी बहुत छोटे होते हैं, एंड मेनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर में ही जनरली पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे रेयर स्पीसीज जो होते हैं वो भी मरीन होते हैं, या फिर कह सकते हैं पैरासिटिक भी होते हैं। एंड इनमें जनरली लैक्स क्यूटिकल, और वी कैन से कि इसमें कोई ट्रू क्यूटिकल नहीं होता है, एंड होता भी है तो वो एज अ स्टिफ प्लेट की तरफ होता है जिसे हम लॉरिका कहते हैं, और जो कि लॉरिका में ही लॉरिका इनटू विच द हेड मे रिट्रीट। एंड इनमें कोई ट्रू वैकेंसी की ट्रू क्यूटिकल नहीं होता है, जो कि एक्सटर्नल कवरिंग होती है क्यूटिकल की होती है, बट ट्रू क्यूटिकल नहीं होता है। एंड इस जो कभी कभी क्या होते हैं ये थिक हो जाता है और स्टिफ प्लेट बनाता है जिसे लॉरिका कहते हैं। एंड ये जो बॉडी पार्ट्स है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीरियर एंड होता है और एक पोस्टीरियर एंड होता है। एंटीरियर एंड विद अ सीलिएटेड ऑर्गन कॉल्ड कोरोना हेल्प इन स्विमिंग एंड फीडिंग। एंटीरियर जो एंड होता है वहाँ पे एक लेयर होती है, सीलिएटेड लेयर होती है, सीलिएटेड ऑर्गन होता है जिसे कह सकते हैं, ये कोरोना है, और इसी के वजह से इसका जो नाम पड़ा था रोटीफेरा पड़ा था, बिकॉज ये जो ऑर्गन है रोटीफेरा मतलब क्या होता है, रोटी मतलब यहाँ पे यहाँ पे रोटा मतलब होता है आपका विल, इसे विल एनिमल भी कहते हैं, विल एंड विल लाइक स्ट्रक्चर होता है कोरोना जो सीलेटेड ऑर्गन होता है, और इसलिए इसको इस लेयर इस ऑर्गन को ही ये ऑर्गन ही मतलब वो है आपका कोरोना। एंड आपका रोटीफेराज मतलब रोटा मतलब आपका विल, और फेरा मतलब होता है विल बियरिंग ऑर्गन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कोरोना के वजह से ही इसको रोटीफेरा कहते हैं, जो कि एक सीलेटेड ऑर्गन होता है और पाया जाता है नियर द हेड लोब, एंड जो कि हेल्प करता है इन स्विमिंग एंड फीडिंग आल्सो। पोस्टीरियर जो होता है, पोस्टीरियर जो होता है पोस्टीरियर एंड पे फुट होता है, और इसमें क्या होता है कि हैज़ टू टोज फुट विद सीमेंट ग्लैंड्स होता है, जो पोस्टीरियर एंड होता है वहाँ आपका फुट होता है, टोज होता है, और एक यहाँ पे आपका बेस पे जो बेस ऑफ द फुट है वहाँ पे एक एडहेसिव या सीमेंट ग्लैंड होता है जो कि सबस्ट्रेट से अटैच करने में हेल्प करता है इसके सिक्रीशन जो होते हैं। एंड इनकी बॉडी अगर बात करें तो इनकी बॉडी जो होती है हेड रीजन, ट्रंक रीजन और फुट रीजन में डिवाइड होता है। एंड क्यूटिकल जो होता है सिक्रीटेड विद इन एपिडर्मिस एंड नेवर मोल्टेड। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हाईली मस्कुलर फेरेंस होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है विद हाईली मस्कुलर फेरेंस, और इसे ही मेस्टास्क कहते हैं, और ये लाइंड इंटरनली विद अ क्यूटिकल जो कि जिसकी लाइनिंग होती है क्यूटिकल से। एंड विद इन मेस्टास्क इज अ रिजिड स्ट्रक्चर और जॉज कॉल्ड ट्रॉफी पाया जाता है, और ये जो आपका ये आपका मेस्टास्क जो है एक ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर होता है, यहीं पे आपका जो जॉज होता है पाया जाता है जिसे ट्रॉफी कहते हैं, एंड जो कि यूज़ होता है फॉर ग्रैस्पिंग ग्राइंडिंग ऑफ द प्रे। नेक्स्ट इज़ आपका सूडो सिलोमेट एनिमल्स, ये आपके इनमें ये ट्रू सिलोम नहीं पाया जाता है, ये सूडो सिलोमेट होते हैं। एंड जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं इसमें ये प्रोटोनेफ्रीडिया होता है और विद फ्लेम सेल, एंड द प्रो जो यहाँ पे प्रोनेफ्रीडिया द प्रोटोनेफ्रीडिया फंक्शन इन ऑस्मो रेगुलेशन, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में फंक्शन होता है जिसका, ठीक है। नेक्स्ट इज ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ये भी आप लिख सकते हैं, ये दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्री होती है, एंड बॉडी इज अनसेगमेंटेड, फिर भी इनकी जो बॉडी होती है हेड और ट्रंक और फुट रीजन में डिवाइड होती है।
एंड इसमें जो सेक्सेस होता है या फिर सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल सेपरेट होते हैं, एंड इनमें पार्थिनोजेनेसिस है, पार्थिनोजेनेसिस होता है रोटीफेरा में. पार्थिनोजेनेसिस मींस जो जायगोट फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड जो जायगोट होता है फर्दर एग से जायगोट बनता है और फिर फर्दर ये क्या होता है एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. एंड इसमें स्पायरल क्लीवेज होता है, नो लार्वल स्टेज इन द लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल में कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होता है, स्पायरल क्लीवेज होता है इनमें. एंड जो डाइजेशन होता है, यहाँ पे डाइजेशन जो होता है यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, यानी सेल के बाहर होता है डाइजेशन. ओके, नेक्स्ट जो एफिनिटीज़ विद आर्थ्रोपोडा, यानी सिमिलैरिटी या रिजेम्बलेंस क्या है आर्थ्रोपोडा फाइलम्स के साथ, तो इसमें जो मैंने बताया इसमें ट्रू क्यूटिकल तो नहीं पाया जाता, बट पाया जाता है. तो इसकी वजह से इसकी जो सिमिलैरिटी है विद आर्थ्रोपोडा में क्यूटिकल पाया जाता है, इसकी वजह से बॉडी कवर्ड बाय अ क्यूटिकल, सिमिलर फीचर है दोनों में. एंड सुपरफिशियल मेटामरिज्म होता है, प्रेजेंस ऑफ टू जॉज. इसमें जो ट्रॉफी होती है, जो जॉज होता है जो कि ग्रेस्पिंग और ग्राइंडिंग में यूज़ होता था प्रे के, एंड ये पाया जाता है दोनों में. एंड मूवेबल ब्रिशल बियरिंग आर्म्स ऑफ पेडिलिया. पेडिलिया क्या है, एक आपका कह सकते हैं कि क्लास है रोटीफेरा का, जीनस ऑफ क्लास रोटीफेरा है, एक जीनस है क्लास ऑफ रोटीफेरा. एंड सजेस्ट दैट अपेंडिसेस ऑफ क्रस्टेशियन लार्वा, जो ये ब्रिशल बियरिंग आर्म्स होती हैं पेडिलिया के, जो रोटीफेरा का एक क्लास है, उसके जो स्पीसीज होते हैं वो जो अपेंडिसेस पाए जाता है जैसे क्रस्टेशियन लार्वा में आर्थ्रोपोडा में, उससे सिमिलर होते हैं. नेक्स्ट इज आफ्का एफिनिटीज विद एनिलीडा. एनिलीडा के जो स्पीसीज होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सिगमेंटेड होते हैं. साथ सिमिलैरिटीज़ क्या होती है रोटीफेरा की, तो द एनिलीडियन रिलेशनशिप ऑफ रोटीफर्स एज एडवोकेटेड बाय हेट्सचेक. हेट्सचेक ने बताया था कि रिलेशन बिटवीन रोटीफोर्स एंड एनिलीड्स इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस, और इनका जो जो रिलेशनशिप था वो स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस के बेस पे था बिटवीन ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ एनिलीड, जो एनिलीड का ट्रोकोफोर लार्वा होता है उसके बीच में, एनापेक्लियर रोटीफोर्स, और एक आपका रोटीफोर स्पीसीज जो है, जीनस जो है आपका, ये आपका ट्रोकोस्फेरा के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं और ट्रोकोफोर लार्वा के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ है उनके बेस पे इन्होंने बताया था रिलेशनशिप. ट्रोकोफोर लार्वा आपका एनिलीडा का है, और आपका ट्रोकोस्फेरा आपका एक स्पीसीज़ है आपका रोटीफोर का. द सीलियरी ग्रीडल बेंट इंटेस्टाइन एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ट्रोकोस्फेरा आर सिमिलर टू द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रोकोफोर. जो ट्रोकोफोर लार्वा है उससे सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का और जो इंटेस्टाइन है, ठीक है. एंड फॉर द अबव रिजेम्बलेंस हेट्सचेक प्रोपाउंडेड हिज फेमस ट्रोकोफोर थ्योरी विच proposes that living rotifers are closely related to the ancestral mollusk Annelida and certain other groups. तो इन्होंने थ्योरी भी दी थी हेट्सचेक ने, और ट्रोकोफोर थ्योरी, जो कि इसमें उन्होंने बताया था कि जो लिविंग रोटीफोर होते हैं रिलेटेड होते हैं जो एंसेस्ट्रल मोलस्का है, एनिलीडा है, सर्टेन अदर ग्रुप्स. द एनिलीड थ्योरी है, उसने कंक्लूड किया दैट द रोटीफोर्स आर सिंपली एनिलीड्स होते हैं एंड दैट हैव रिमेन्ड इन अ लार्वल कंडीशन, जो कि लार्वल कंडीशन में ही रह गए. यानी जो ट्रोकोफोर लार्वा है उससे सिमिलैरिटीज़ बताई थी हेट्सचेक ने, तो ये जो रोटीफोर स्पीसीज हैं वो लार्वल स्टेज में ही रह गए, तो उससे सिमिलैरिटीज़ की वजह से इस जो एनिलीड थ्योरी है यही कहता है कि रोटीफोर्स जो है एनिलीड ही होते हैं लेकिन ये लार्वल स्टेज में ही रह गए. नेक्स्ट इज आपका एफिनिटीज़ विद प्लेटी हेलमिंथीज, और प्लेटी हेलमिंथीज के साथ क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं. द प्रिमिटिव टाइप ऑफ कोरोना मे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ कंप्लीट और वेंटर सिलेशन ऑफ टर्बिलेरियन. टर्बिलेरियंस जो हैं आपके क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पैरासिटिक प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं. प्लेटी हेलमिंथीज का एक ग्रुप होता है जो कि जिसमें जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ कोरोना में हैव बीन ड्राइव फ्रॉम अ कंप्लीट और वेंटर सिलेशन इन टर्मलेसन. जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ कोरोना है ये सिमिलर जैसे इसमें है वैसे ही सिलिएशन वेंटर सिलिएशन जो हुआ था इन टर्बिलेरियंस उसके समान ही है. फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉफी इज़ ऑल्सो कॉमन इन टर्बिलेरियंस. जो टर्बिलेरियंस है प्लेटी हेलमिंथीज का एक पैरासिटिक ग्रुप होता है, और
जो ट्रॉफी है जिसे जॉज कहते हैं, जो कि आपका ट्रोटोफोर्स में पाया जाता है, वो टर्बुलेरियंस में भी पाया जाता है। द प्रोटोनेफ्रिडिया सिस्टम, द प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम विद फ्लेम सेल इज ऑल्सो आइडेंटिकल विद दैट रेबडोसीज आपके क्या होते हैं, ये कॉमन फ्लैट वर्म होते हैं, प्लेटीहेलमिंथीज को ही फ्लैट वर्म्स कहते हैं। एंड ये आपका रेबडाइटोफोरा एक क्लास है प्लेटीहेलमिंथीज का, उसके जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बात हो रहा है अभी। तो जो प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम है और फ्लेम सेल है, ये सिमिलर होता है आपके प्लेटीहेलमिंथीज से। एंड द रेट्रो सेरिब्रल ऑर्गन इज प्रोबेबली होमोलोगस विद द फ्रंटल ऑर्गन ऑफ टर्बुलेरियन, और ये भी टर्बुलेरियन से सिमिलर होता है जो रेट्रो सेरिब्रल ऑर्गन होता है। नेक्स्ट आपका डिसिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं विद प्लेटीहेलमिंथीज, तो जो रोटीफोर्स होते हैं उसमें प्रेजेंस ऑफ एन एनस एंड इन रोटीफोर्स, इसमें एनस पाया जाता है रोटीफोर्स में, एंड लैक ऑफ सब एपिडर्मल कंटिन्यूस मसल नहीं पाया जाता रोटीफोर्स में, एंड लैक ऑफ एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ आपका अफेनिटीज विद नेमेटोडा, नेमेटोडा मीन्स आपका एस्केहेलमिंथीज के साथ क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और एक सिंसिशियल एपिडर्मिस पाया जाता है। सिंसिशियल एपिडर्मिस जो है ये एस्केहेलमिंथीज में पाया जाता है, और सिंसिशियल एपिडर्मिस मींस आपका जो एपिडर्मिस होता है उसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए इसको सिंसिशियल एपिडर्मिस कहते हैं। एंड सूडोसिलोमिक बॉडी कैविटी पाई जाती है, एंड प्रेजेंस ऑफ अ गट विद द माउथ एंड एनस, एंड लैकिंग अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन बोथ द केसेस, दोनों में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, एंड नो लार्वल स्टेज इन द लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है। तो ये एफेनिटीज़ विद द नेमेटोडा था, एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एकेंथोसिफेला का जो स्ट्रक्चर और एफेनिटीज़ है वो डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।